कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, संकट हरना, संकट संकट हरना, बिना किसी संकोच के, बिना भय के, ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर में घूम रहा हूँ। तो कभी ना कभी हो सकता है ये मेरे भाग कभी रहा हो, जुड़ा हो। जय जय जंगल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मुझे मैंने अब तक जितने जंगल देखे हैं उसमें से दो तीन जंगल मुझे बहुत पसंद आए थे, एक चित्रकूट का, अमरकंटक का, और अब ये हिमालय का जंगल। बहुत ही सुंदर, हरा भरा, बहुत शानदार, छायादार, बहुत ही घना है। शायद मैं गलत जगह आ गया, पर ऊपर जाना है। इस दृश्य देखने के लिए आ गया है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का आश्रम रहा ही होगा। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर। और कुटिया आश्रम यहाँ पे बनाने के लिए बहुत सुंदर है स्थान। घना है, छा है, बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही घना और बहुत बेहतरीन और सुखदायी, आनंद देने वाला। बहुत सुंदर स्थान, सब स्थान ऐसा लगता है जैसे परिचित के हूँ, जुड़े हुए हूँ। जी जी, हम छोटे छोटे झरने, बहुत सुंदर। हम बस जंगल में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हमें पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, और ये भी एक तरीके का आनंद है कि आप मन से, दिमाग से फ्री हैं, इतने ज़्यादा स्वतंत्र हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं इस बात से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और विश्वास भगवान में ही पहुँचाएंगे ही वो। जय जय जय। हम इस नदी के किनारे किनारे ही जा रहे हैं, इसीलिए जल से होने वाली समस्या तो नहीं होगी, बाकी सबकी हो जाए अलग बात है। जय हो भोलेनाथ। जय हो जय हो जय हो। लगता है पास में ही कोई गांव है, क्योंकि बहुत देर से चलने के बाद अब ऐसा कुछ मिला है। तो हो सकता है पास में ही कोई गांव होगा। जय हो। पहले किसी समय में ये एक रास्ता था यहाँ से, तो
ऐसा लग रहा है देखने से। पर कोई आता जाता नहीं है, इसलिए रास्ते के रूप में ये ख़त्म हो रहा है। जब यूज नहीं है ख़त्म ही हो जाना है। बहुत सारे जंगल, बहुत सारी भैंसे हैं और गाय हैं। जय हो। तो आसपास कोई ना कोई होगा रास्ता बताने के लिए। जय हो। जैसे ये बना हुआ है, खेत लग रहा है, तो आसपास ही कोई गांव होगा जहां से आगे का रास्ता मालूम चल जाएगा। जय हो। इन जगहों पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता है, तभी तो यहाँ रहने का आनंद ही कुछ और होता है। एक घर मिला है, कोई रहता कि नहीं पता। से ताराम जय। घर तो है पर कोई रहता नहीं है। से ताराम ताला लगा हुआ है। ये किसी महात्मा का ही लग रहा है, क्योंकि ये भगवा का वो है, ये बना रखी है शांत खाली जगह पे। जय हो। क्योंकि बाथरूम रूम गैराज तो यहाँ तक ईंट पत्थर ये सब आया है, तो जाहिर सी बात है रास्ता भी होगा। पहले ऐसे बनी रही होगी, फिर बाद में इसमें पक्की बनवाई होगी। ताला बंद है और बाकी टूटा फूटा है, तो हम आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये, अगर बिजली का करंट तार है तो पक्का यहाँ पे कोई गांव होगा थोड़ी दूर पे ही। पहले कच्चा घर था, जब कच्चा भी रहा होगा तो भी काफी अच्छा था। व्यवस्था इन्होंने काफी अच्छी कर रखी है, जल की भी, तार और बंधे हुए हैं बिजली का। सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, हम वापस चलते हैं आगे की ओर। काफ़ी लंबे समय से कोई नहीं है, क्योंकि ये जो रास्ते हैं झाड़ी झंकार से पड़ गए हैं,
मतलब काफ़ी लोग जिसमें से कोई नहीं आया, नहीं तो जो भी आता वो इन्हें साफ कर चुका होता। जी तो अच्छी बात ये है कि हमें एक रास्ता तो मिला। हम बहुत देर से बिना पगडंडी के घूम रहे थे, अब कम से कम एक पगडंडी है जो आगे जाके कहीं बड़े रास्ते और रोड पे मिलेगी। जय हो जय हो। देखिए पूरा ही मैदान है नीचे, बहुत बड़ा बड़ा मैदान जिससे में खेती हो सकती है, खेती ही रही होगी पहले कभी। वैसे हम अभी बहुत अधिक ऊंचाई पे हैं क्योंकि हम सुबह से लगातार सिर्फ चढ़ रहे हैं चढ़ रहे हैं चढ़ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि थोड़ा बराबर की जगह मिली है। रास्ता देखने से ऐसा लगता है बहुत टाइम से कोई नहीं आया है क्योंकि रास्ता बहुत झाड़ी झंकार और बिगड़ चुका है। हालांकि ये बनाया हुआ ही रास्ता है कि जैसे रखा हुआ है, पत्थर ईंट बनाया ही लग रहा है, पर झाड़ी झंकार देख के लग रहा है कि काफ़ी टाइम से कोई नहीं आया। हम बहुत टाइम बाद आए हैं, मतलब हम ही आए हैं। जय हो जय। ये कोई भैंस चराने वाला जानवर वाला आया होगा, अलग बात है। भैंस चराने वालों को, गाय चराने वालों को बहुत रास्तों को पता होता है। पेड़ की खो बहुत बड़ी सी, उसमें आग लग गई है। यहाँ आग बहुत लग रही है जंगलों में, वो भी ठंडी एरिया के जंगलों में। और सुअरों का बहुत बड़ा झुंड, जंगली सुअरों का। सब पेड़ के छांव में बैठे थे, वो अचानक ही भागे। सुअर जो होते हैं, जंगली सुअर है कि कुछ और था, सुअर ही लग रहा था, वो बहुत ख़तरनाक होता है, वो शेर से भी लड़ जाता है। अभी हमें पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं। और अब तो जंगली जानवर भी मिलने शुरू हो गए हैं। इस पे भी कभी कुटिया रही होगी, इसको देख के भी ऐसा लग रहा है। हाँ मैं सही हूँ क्योंकि ये गड़ा हुआ है, ये गेट हुआ होगा। कोई महात्मा आया होगा, जगह अच्छी दिखी होगी,
रुक गया होगा, कुटिया बना लिया होगा, फिर चला गया होगा। माई पगडंडी मिस हो गई है। इसीलिए हम भटक रहे हैं। इस तरफ नदी है तो हमें इधर से जाना चाहिए। जब तक पगडंडी रहती है जा सकते हैं, और जब पग तब समझ में नहीं आता किधर जाना है। जय हो। जय हो। नदी है, इसी के किनारे किनारे हम चल रहे हैं। जहाँ भी रास्ता मिल जाता है, पर रास्ता बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो नहीं कह सकते, पर हाँ है, क्योंकि जंगल है और हमें पता भी नहीं किधर जाना है। बस हम चले जा रहे हैं, जंगल में चले जा रहे हैं। किधर निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं। जंगल बहुत घना है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे हॉलीवुड की मूवी होती है एकदम सेम वैसे ही। वैसे ही जंगल है, जय हो। हम नीचे से इसी को देख के आए थे कि शायद यहाँ से रास्ता होगा। ये किसी का घर था, अभी अभी नहीं है। बहुत साल पहले टूट चुका है, पर इस घर तक आने जाने के लिए रास्ता तो होगा, रहा होगा। एक घर ऊपर और दिख रहा है, पर लगता नहीं कि कोई होगा वहाँ पे। जय हो। चलो चलते हैं। कमाल की बात है, ये बड़ा सा घर है, उसके अंदर भैंसे हैं। जंगल में यहाँ पे रुकी एक पगडंडी इस तब गई है, देखने कहाँ तक जाती है। जी यहाँ पे फूलों के पेड़ बहुत हैं, गुलाब के, ये सब गुलाब के ही फूल हैं। हम उस पगडंडी के पीछे चलते हैं जो यहाँ तक घर तक लाता है, जहाँ कोई नहीं रहता। जय हो।
ये भी एक स्थान है, कोई रहता रहा होगा, भैंसे हैं। पगडंडियाँ थोड़ी दूर तो जाती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं। यहाँ भैंसे बहुत दिखी, पर भैंस चराने वाले को ये दिखा, मिलता तो शायद रास्ता जानने में आसानी हो जाती। पर हम भोलेनाथ के उस पे चल रहे हैं नाम पे, तो हमारे करधार भोलेनाथ ही हैं, वो हमें पार कराएंगे ये जंगल। जय हो जय हो जय हो भोलेनाथ। जंगल बहुत सुंदर है और बहुत ही घना है, बहुत ही ज़्यादा, पर फिर भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें से जाया जा सकता है। बहुत सारे जंगल हमने देखे जिसमें से निकला ही नहीं जा सकता। अभी तो हम आराम से जा रहे हैं, इसे दिक्कत नहीं हुई, बस बस ये नहीं पता है कि हम जा कहाँ रहे हैं और किधर जा रहे हैं, किधर निकलेंगे, बस यही सब नहीं पता है। बाकी जंगल बहुत सुंदर है, बड़ा आनंद आ रहा है जंगल में ट्रैकिंग करने का। और उस जंगल में जिसमें सारे खतरनाक जानवर हैं, घना है, हर तरह के जानवर हैं। जय हो जय हो जय हो। जी तो नीचे के लिए ले जा रहा हूँ, हमें एक बार फिर से एक सुंदर से जलाशय के पास आ गए हैं। जो जो बहुत सुंदर निर्मल जल, हमने जल ले लिया है। और अपने फिर से इस घने जंगल के यात्रा पे शुरू चल दिए हैं। जल बहुत ज़रूरी है कि आप, क्योंकि आप कुछ खाने के लिए तो रख सकते हैं, पर जल कितना रख सकते हैं, जल बहुत चाहिए होता है। जो जंगल घना होता जा रहा है, कहाँ निकलेंगे पता नहीं। पर कहीं ना कहीं निकलेंगे ही, हमने सोचा नहीं था कि हम इतने घने जंगल से जाने का मौका मिलेगा।
ये इत्तेफाक है या भगवान की कृपा, हालांकि कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। क्योंकि ये पुराने रास्ता है, पहले सब ऐसे ही जाते थे जंगल के रास्ते से, क्योंकि तब रोड थे नहीं। तो जो धार्मिक यात्राएँ करने जाते थे तीर्थस्थल, वो ऐसे ही रास्तों से होते हुए जाते थे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अभी हम बहुत घने जंगल में हैं और रास्ता सूझ नहीं रहा है, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है और रास्ता तो नहीं है, पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार रास्ता बह भी जाता है बरसात में। जय हे तारा। अभी मैं घने जंगल में हूँ, एकदम कोई खबर नहीं कहाँ पे है, और बीच में कह सकते अटक गया हूँ। जय हो, जय। मुझे नीचे जाना था और मैं शायद ऊपर चढ़ता चला आ रहा हूँ, इसीलिए गड़बड़ हो गई है। जय हो, जय। फिर से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भोलेनाथ। आखिर हमें एक पगडंडी मिली है, अब देखना ये है कि पगडंडी कहाँ तक जाती है और कहाँ जाती है। जय हो। जंगल में काफ़ी घूम लिया, काफ़ी बहुत एडवेंचर हो गया आज तो। अब बस इस पगडंडी के हिसाब से देखते हैं अगला गांव कौन सा है। जय हो, जय हो।